मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है जहां हम रिश्तेदारों के साथ में मेंटल पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। शराबी लोगों को भर्ती करते उनका इलाज करते हैं और रिश्तेदारों के अलावा भी भर्ती करते हैं अकेले और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बार बार एक ही विचार आते रहते हैं। काफी सारा मतलब एक ही विचार आएगा या दो तीन विचार ऐसे बार बार आते जाएंगे और फिर उनको उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है, मतलब कृति भी करनी पड़ती है, एक्शन लेनी पड़ती है। ऐसा बार बार विचार आएंगे कि अपने हाथ खराब है तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा, बार बार विचार आएंगे कि अपने अपना बदन ठीक नहीं है, कहीं तभी हाथ लग गया तो स्नान करना पड़ेगा, या घर खराब है तो घर गंदा हो गया तो वो साफ करना पड़ेगा, या गद्दी खराब है तो चक्कर धोना पड़ेगा बार में। ऐसे बार 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 विचार आते रहते हैं। अभी जो रिसेंटली जो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस एक नया अभी चालू हो गया, वो हो गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बार बार चेक करने की आदत, उसका ऑब्सेशन और उसका कंपल्शन। काफी सारे लोग, अभी एक लड़का आ गया 23-24 साल की उम्र है, उसको उसके पास में दो एंड्रॉइड फोन है और उसको बार बार वो लगता है कि नहीं अभी किसका कभी व्हाट्सएप आया होगा, अभी किसका कभी फेसबुक के ऊपर कुछ तो भी आया होगा। एक है व्हाट्सएप के ऊपर, एक है फेसबुक के ऊपर मोबाइल, और वो बार बार लाइक करना, चेक करना क्या आ गया क्या नहीं आ गया, और बार बार चेक। उसको मालूम है कि अभी इतनी जल्दी आया नहीं होगा, मतलब वो उसको इतना ऐसा विचार आ गया कि नहीं मैंने चेक करना चाहिए। ऑब्सेशन में होता क्या है कि उनको ये मालूम रहता है व्यक्ति को कि भाई मुझे यह नहीं विचार आ रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, यह फजूल के विचार है। ये मालूम होने के बावजूद भी उसको विचार बार बार आते रहते हैं और उसके ऊपर वो कृति करता है विचार आने के बाद में, जैसा चेक करते हैं। ये उसको मालूम है कि भाई इतनी जल्दी कोई व्हाट्सएप नहीं आया और मैंने अभी व्हाट्सएप नहीं देखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तभी वो आते रहता है विचार और फिर उसके ऊपर उसको कृति करनी पड़ता है। अभी मैं उनको ये बोलता हूं कि ठीक है, आपका जो मशीनरी है ब्रेन, उसमें विचार आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक विचार है, क्या आपका उसके ऊपर कंट्रोल है? तो नहीं है, कंट्रोल नहीं। अच्छा, क्या आपने वो विचार खुद ने पैदा किए? बोले नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आ रहे। तो जो विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो ऑटो पायलट के ऊपर ब्रेन है, विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपने चालू नहीं किए तो आप बंद कैसे करेंगे? तो आप बंद भी नहीं कर सकते। तो उनको जब मैं काउंसिलिंग करता हूँ, हिप्नोसिस करता हूँ, तो उनको बार बार उनसे ये बातचीत करता हूँ कि जो विचार है ये ऑटोमेटिक है, ये विचार आपने लाए नहीं है, ये ब्रेन का एक पैटर्न बन चुका है, एक आदत सी बन चुकी है, और विचार बार बार आते रहते हैं, आने के बाद में आप उसके ऊपर कृति करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो वो बिहेवियर थेरेपी से इलाज हो सकता है, हिप्नोथेरेपी उससे इलाज हो सकता है, मेडिसिन से जिससे इसका इलाज हो सकता है, ताकि वो जो ऑटो मोड पे जो ब्रेन चालू हो गया है उसको कैसे रोकना, क्योंकि एक थ्योरी ऐसी है कि सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है ब्रेन में वो कम होने से ऐसा ऑब्सेशन और कंपल्शन होता है। तो दवाइयां ऐसी है अभी नई नई आई हुई कि जो सेरोटोनिन का प्रमाण जो है वो ब्रेन में भेजे में वो ऊपर लाना कैसा, वो मतलब ऊपर लाते हैं वो दवाइयां, और जब उसका प्रमाण ऊपर आता है या उसकी सेंसिटिविटी जो रिसेप्टर की वो बढ़ जाती है तो उनको अच्छा लगता है। तो उससे बातचीत करता हूं कि भाई उनको अपना लो, वो विचारों को अपना लो, उनको रेसिस्ट मत करो, विचार निकलना चाहिए ऐसा मत करो, आप जितना उसके ऊपर बोलेंगे निकलना चाहिए वो जाएंगे, उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको बाजी में रखो, विचारों को अपने काम के ऊपर फोकस करो और रिलैक्स होके ये देखो कि भाई विचार आ रहे और विचार जा रहे, विचार आ रहे विचार जा रहे, आ रहे, अपना कोई कंट्रोल है नहीं, तो उसको एक थर्ड पार्टी करके देखो, तीसरा आपके विचारों को देख रहा है, विचार आ रहे और जा रहे वो देखो, और ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्टेयरकेस चढ़ते ऊपर की मंजिल में जाते हैं तो स्टेयरकेस गिनेंगे, नीचे उतरते समय स्टेयरकेस गिनेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, बार बार वो भी काम करेंगे। काफी लोगों को रहता है कि बार बार कोई बातें करेंगे, क्योंकि वो बातें दो तीन बार चार बार बताने के बाद उनको समाधान नहीं होता, इसलिए वो बहुत बातें करेंगे और कोई भी बात बताएंगे। ये लोग बहुत स्टिकी होते हैं, ऐसा लगता है कि कितने बार बात बता रहा है व्यक्ति, एक बार मेरे को समझ में आया तो
क्यों बोलेगा बार 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 बार। तो काफी सारे लोग हैं कि जो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, जरूर ये वीडियो शेयर करो लोगों को ताकि उनको समझ में आए कि एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं कि पागलपन है, मगर एक तरह की बीमारी है और उसका इलाज करते हैं और सही तरीके से इलाज करते हैं तो लोग अच्छे हो जाते हैं। यूजली क्या होता है कि मेरे पास में जब लोग आते हैं तो बोलते हैं हमको 6 साल से ये बीमारी, 8 साल से बीमारी, मतलब इतना क्रॉनिक होने के बाद में लोग आते हैं, इतनी पुरानी बीमारी होने के बाद में लोग आते हैं। तो ऐसा न करते हुए जैसे आपको मालूम पड़ा कि ऐसा प्रॉब्लम है तो तुरंत आ जाने का है और उसका इलाज करना है, क्योंकि उसको बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, उसको भी तकलीफ होती है। जैसे एक व्यक्ति है उसको लगता है कि मैं भगवान के ऊपर पेशाब कर रहा हूँ, ऐसे विचार आते हैं, मैंने भगवान के ऊपर पेशाब करना चाहिए, ताकि मुझे मालूम है कि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, तो विचार आता है। एक पेशेंट है उसको आते कि अपनी खुद की विष्ठा स्टूल्स, अपने खुद की जो टट्टी है मतलब लेटरिन है वो खाना, बार बार ऐसे विचार आते वो खाता तो है नहीं, उसको बहुत डिस्टर्ब खुद हो जाता है, लोगों को बहुत काफी डिस्टर्ब कर लेता है। तो इसका शुरुआत में इलाज होगा हो गया तो बहुत ही अच्छा होता है, 100% रिकवरी होती है, जितना पुराना हो जाएगा उतनी रिकवरी कम कम है। तो जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा लोगों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालो, फेसबुक ग्रुप के ऊपर डालो, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाएगा कि बीमारी है, इस तरह की ब्रेन की बीमारी है, और उसमें वो अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।